गुड इवनिंग मैम। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल। ओके, सो यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट द फ्यू स्टेप्स ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स बेसिकली? द फर्स्ट वन वाज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, सोनम इट्स सोनम it fixes nitrogen fixations occurs by two means, that one the lightning, okay, and second one was good evening. Okay beta, the first one was lightning. Okay, kal humne lightning ke bare mein padha tha ki nitrogen fixation jo hota hai wo generally do tarikon se hota hai। एक मेथड होता है लाइटनिंग और दूसरा होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था, फॉर द फर्स्ट स्टेप। ओके, स्टेप हमने नेक्स्ट पढ़ा था, दैट वाज द नाइट्रोजन असिमिलेशन। ओके, नाइट्रोजन असिमिलेशन। ओके, तो इसमें हमने जाना था कि कैसे जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, जो अपने कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो चुका होता है उसको प्लांट्स यूज करते हैं, देन इट इज यूज्ड अप बाय द एनिमल्स। ओके, फिर कैसे वो इस इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन की कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं अपने प्रोटीन फॉर्मेशन में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द टू स्टेप्स ऑफ द व्हाट नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, सो we are going to talk about the next step of the nitrogen cycle। okay, ye do steps to hamare nitrogen cycle ke complete ho chuke the। now the third step is ammonification। we will talk about ammonification। jaise ki word se hi pata lag raha hai ammonification। okay, so what is the ammonification? अमोनिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है कि आप क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स जो है उसको अपने प्रोटीन में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो व्हाट हैपन कि जो प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, प्लांट्स या एनिमल्स व्हेन दे डेड, ओके, व्हेन दे डेड, या फिर उनका एक्सक्रीटा जो होता है, एक्सक्रीटा मतलब उनका बॉडी का जो वेस्ट होता है, ठीक है, ओके, उनका जो एक्सक्रीटा होता है या डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं विद द हेल्प ऑफ कन्वर्ट इनटू द अमोनिया। किस में कन्वर्ट होता है? अमोनिया में कन्वर्ट होता है। उनके जो वेस्ट में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है या डेड प्लांट्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, दैट कन्वर्ट इनटू द अमोनिया। तो वो किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ द प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके, with the help of putrefying bacteria and the fungi, jise hum kehte hain, generally we called as decomposers। hum kya kehte hain? decomposers kehte hain unhe, theek hai, as we know that they feed on the dead decaying organic matter, jo ki kya hote hain, dead decaying organic matter par kya karte hain, feed karte hain, theek hai, and convert into the what simple substances mein usko tod dete hain। okay, so what happen कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं या फिर उनका एक्सक्रीटर जो होता है उनमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इट कन्वर्टेड इनटू द अमोनिया। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होता है? दैट कन्वर्टेड इनटू द अमोनिया या अमोनियम कंपाउंड्स में वो जनरली क्या होता है, कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ द व्हाट बैक्टीरिया और द फंगी, वी कॉल्ड एज व्हाट, उन्हें क्या कहते हैं हम, डीकंपोजर्स कहते हैं। ठीक है, और सम प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया की हेल्प से। ओके, so what is the, if we define it properly, so it is what, the conversion of what, complex organic, ठीक है, compound conversion of complex organic compound
सो व्हाट हैपेंड, द कन्वर्जन ऑफ व्हाट, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि लिविंग बींग्स के बॉडी से आ रहा है वो, ठीक है, या लिविंग बींग्स का मैटर है या लिविंग बींग्स है, तो दैट मीन्स वो क्या है, ऑर्गेनिक है, ठीक है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जैसे प्रोटीन, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, दैट कन्वर्ट इन टू द अमोनिया. किसमें कन्वर्ट होते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है. अगर ये अमोनिफिकेशन नहीं होता तो जनरली वो क्या होता है, वो नाइट क्या होता है, वो जो इनमें प्रोटीन प्रेजेंट रहता है वो अगेन मिक्स हो पाता सॉइल में, नहीं हो पाता. तो इट मीन्स क्या है, विद द हेल्प ऑफ दिस डीकम्पोजर, दिस डीकम्पोजर जनरली, ठीक है, दैट what the body of the plants, dead body of plants and animals and the excreta that contain the proteins generally, it convert into the ammonia, okay, and then it is what, it is absorbed by the plants, theek hai, and ye ammonia jo hota hai generally wo fir dusre form mein kya hota hai, convert hota hai with the help of the other bacteria, okay. So next thing is, ये क्लियर हुआ, दैट इज नोन एज व्हाट, अमोनिफिकेशन. नाउ द फोर्थ स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन. फोर्थ स्टेप कौन सा है नाइट्रोजन साइकिल का, इट इज नाइट्रिफिकेशन, ओके. द फोर्थ स्टेप इज नाइट्रिफिकेशन. अब अमोनिया तो फॉर्म हो गया है, अमोनियम का जो कंपाउंड्स होते हैं वो सॉइल में क्या होते हैं, that is converted first into the what, nitrates. So ammonia होता है, ठीक है, ammonia जो होता है वो किसमें convert होता है, nitrite में firstly convert होता है, it convert into the nitrite, okay, the first converted into nitrite with the help of the what, bacteria that is known as nitrosomonas bacteria, that is nitrosomonas bacteria, ठीक है, that is present in the soil which what, convert the firstly ammonia into the nitrite. जो किसमें convert करते हैं, ammonia को nitrite में generally क्या करते हैं, basically convert करते हैं, okay. Next thing क्या होता है, अब ये nitrite जो होता है वो किसमें convert होता है, nitrate में convert होता है, किसमें convert होता है, nitrate में, ठीक है, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है. तो विद द हेल्प ऑफ द नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास, सॉरी दैट इज नाइट्रोबैक्टर, ओके, दैट इज नाइट्रोबैक्टर, ओके, विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज नोन एज द नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल. तो फर्स्टली क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में अमोनिया जो होता है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, with the help of nitrosomonas bacteria, okay, and then uske baad ye nitrite jo hota hai fir with the help of nitrobacter jo hote hain, bacteria jo hote hain, is nitrite ko kisme convert karte hain, nitrate mein convert karte hain. maine aapko bataya tha ki plants jo hote hain nitrogen ke kis compound ko use karte hain, that is the nitrate, theek hai, wo nitrogen ke kis compound ko use karte hain, that is nitrate ko use karte hain, that is NO2 एन एन ओ थ्री, ओके. सो नाइट्रेट फॉर्म जो होता है वो अपना यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट. तो जो नाइट्रेट बन जाता है ये अगेन क्या होता है, इट मिक्स विद द व्हाट, दैट मिक्स विद द वॉटर, वो क्या होता है, सॉरी दैट इज सॉइल के साथ क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है, ठीक है. कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रेट जो होता है इट एडेड टू द सॉइल एंड देन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स. वो किसके द्वारा हो जाता है, प्लांट्स के द्वारा, देन उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है. तो व्हाट इज द नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन मींस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू द व्हाट, दैट इज इन द नाइट्रेट. द प्रोसेस ऑफ व्हाट, कन्वर्जन किसका होता है, कन्वर्जन होता है फ्रॉम अमोनिया से, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इंटू व्हाट, नाइट्राइट, सॉरी दैट इज नाइट्रेट के फॉर्म में, ठीक है. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन. हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ओके. सो क्लियर.
तो नाइट्रेट्स इस तरह से क्या होते हैं बेटा, जो नाइट्रेट्स होते हैं जब फॉर्म हो जाते हैं तो वो सॉइल में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं एंड देन अब्सॉर्ब बाय द व्हाट, प्लांट्स अगेन. सो अगेन अब क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रेट जो होता है वो क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रेट को कुछ तो अब्सॉर्ब हो जाता है, और कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रेट जो होता है वो अदर बैक्टीरिया जो होते हैं उसको क्या करते हैं, फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं. ओके सो दिस इज अबाउट द व्हाट, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस. ठीक है, तो कैसे वो अगेन दोबारा से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा, फ्री नाइट्रोजन में, और दोबारा से एटमोस्फेयर में रिलीज होगा. ठीक है, सो दिस विल टेक्स प्लेस थ्रू द डिफरेंट स्टेप्स. ओके, द नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ स्टेप इज डीनाइट्रिफिकेशन. ओके, द फिफ्थ स्टेप इज व्हाट, डीनाइट्रिफिकेशन. सो द नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा आपके पास, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है. अब क्या होगा कि जो कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रेट जो प्रेजेंट होगा, ठीक है, इन द सॉइल में, कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रेट जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट इनटू द फ्री नाइट्रोजन. फ्री नाइट्रोजन, ओके, किसमें कन्वर्ट होता है, फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, दैट इज विच इज विद द हेल्प ऑफ द सूडो मोनास बैक्टीरिया. ओके, विद द हेल्प ऑफ सूडो मोनास बैक्टीरिया. ओके, क्लियर, दैट इज nitrate is converted into the what, free nitrogen with the help of the bacteria that is known as the pseudomonas bacteria that convert the what, some amount of nitrate that is present in the soil into the free nitrogen. okay, to free nitrogen mein se kya karte hain, convert kar dete hain, aur ye free nitrogen jo hoti hai again kya hoti hai, that is released into the atmosphere, released into the what, atmosphere. फिर वो एटमोस्फेयर में क्या होती है, रिलीज हो जाती है. ठीक है, सो व्हाट अबाउट, व्हाट इज द डीनाइट्रिफिकेशन, तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ व्हाट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू द फ्री नाइट्रोजन. ठीक है, एंड देन दैट इज रिलीज इनटू द एटमोस्फेयर. ठीक है, तो दैट इज द प्रोसेस इज नोन एज द डीनाइट्रिफिकेशन. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, denitrification process कहते हैं, और this process generally takes place with the help of what, pseudomonas bacteria that convert the some amount of the nitrate which is present in the soil into the free nitrogen. okay, and then this free nitrogen again back return to the what, atmosphere. okay, तो इस तरह से क्या होती है कि वो दोबारा से back हो जाती है, return हो जाती है again atmosphere में. तो इस तरह से एक लेवल जो होता है नाइट्रोजन का, अमाउंट जो होता है, उसकी कंसंट्रेशन जो होती है, वो जनरली क्या होती है, एक कांस्टेंट रहती है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दैट इज अ नाइट्रोजन साइकिल. तो एक छोटा सा हम क्या है, नाइट्रोजन साइकिल फॉर्म करेंगे. ठीक है, और कंप्लीट फॉर्म में, तो फर्स्ट वन दैट इज एटमोस्फेयर, नाइट्रोजन इन एटमोस्फेयर, हाउ इट फॉर्म. ठीक है, एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है generally it fix by the two method. okay, the first one is with the help of the rhizobium, jaise maine aapko bataya tha biologically rhizobium. okay, and what, blue green algae. okay, fix nitrogen in soil. okay, नेक्स्ट दूसरा स्टेप क्या था, दैट इज लाइटनिंग प्रोसेस था. लाइटनिंग फिक्स नाइट्रोजन. ठीक है, लाइटनिंग भी क्या होती है, फिक्स करती है नाइट्रोजन को. ठीक है, सो इस तरह से क्या होता है, व्हाट हैपन, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल में फिक्स होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल.
फिक्स हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द व्हाट, एक लाइटनिंग का प्रोसेस से, और विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ओके, सो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, कंपाउंड्स जो है नाइट्रोजन के फॉर्म हो गया. अब ये क्या होंगे, देन अब्सॉर्ब बाय व्हाट, बाय प्लांट्स. अब प्लांट्स क्या करेंगे, उसको अब्सॉर्ब करें. यहां तक तो हमने क्या पढ़ा, दैट इज अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में. अब यहाँ क्या हो रहा है, अब्सॉर्ब हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर असिमिलेशन हो रहा है. ठीक है, या कौन सा प्रोसेस हो रहा है, असिमिलेशन प्रोसेस हो रहा है. ठीक है, अब्सॉर्ब बाय प्लांट्स. जब प्लांट्स इसे अब्सॉर्ब करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, अपना प्लांट प्रोटीन्स बनाते हैं. ठीक है, क्या बनाते हैं, प्लांट प्रोटीन्स बनाते हैं. ठीक है, एंड इनको कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं. तो इट मीन्स वो अपना प्रोटीन बनाते हैं, एनिमल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. ओके, एनिमल प्रोटीन फॉर्मेशन होता है. जब यही प्लांट और एनिमल ओके बेटा, तो व्हाट हैपन द डेड और एक्सक्रीटा. ओके, when animals or the plants dead, unka excreta jo hota hai, that contains the what, proteins converted into ammonia, so we can say that nitrogenous waste. Okay, that nitrogenous waste. Okay, fir get mixed with the what, soil. Ammonia ke form mein kya hota hai, usko convert kar diya jata hai. Fir soil mein jo bacteria present hote hain wo usko kya hai, pehle nitrite mein convert karte hain, fir usko nitrate mein convert karte hain. Theek hai, एंड दूसरा जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, दैट इज द सूडोमोनास बैक्टीरिया, इट कन्वर्ट द डीनाइट्रिफिकेशन, दैट डू द डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस टेक प्लेस, डीनाइट्रिफिकेशन. सॉइल में ही क्या होता है, सॉइल में ही नाइट्रिफिकेशन होता है. ठीक है, यहाँ पर तो नाइट्राइट जो होता है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, पहले अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है. सो डीनाइट्रिफिकेशन टेक्स प्लेस बाय द बैक्टीरिया. ठीक है, विच वॉट denitrification, in which nitrogen के compound जो होते हैं, nitrogen compound change into, convert into, okay, convert into free nitrogen, okay. So in denitrification process, in which the nitrogen compounds, okay, convert into free nitrogen. किसमें convert होते हैं, फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया दैट रिटर्न अगेन बैक टू द एटमोस्फेयर. ओके सॉरी, दैट इज अगेन बैक टू द एटमोस्फेयर. तो एक लेवल जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, नाइट्रोजन का एक साइकिल की वजह से क्या है, एक लेवल जो होता है कॉन्स्टेंट, वो बना रहता है 78%. ठीक है, तो ये है अबाउट हमारा किसका, नाइट्रोजन साइकिल के बारे में. ओके क्लियर, so what happened, the first one, the rhizobium fix the atmospheric nitrogen, okay, into the soil, okay, in the form of nitrogen compounds, and lightening other process through which the nitrogen fixation takes place. What happened next, the compounds of the nitrogen, that is nitrates or the ammonia, absorbed by the plants, and then uske baad kya hota hai, they are again used to form, that compound is used to form the plant proteins. Okay, and animal proteins, because of animals eat that plant. Okay, the excreta and the dead parts of the plants and animals that contain some proteins converted into the ammonia, nitrogenous waste, and again back to the mix with the soil. The bacteria generally which are present in the soil, okay, that convert the ammonia into the what, nitrite, and then nitrates. Some of the nitrates generally absorbed by the again plants, okay, and some amount of nitrates generally it is what, convert into the free nitrogen, the process of denitrification. Okay, ye denitrification hota hai aur is tarah se fir se nitrogen kya hoti hai, atmosphere mein add ho jati hai, free nitrogen. Okay clear, ab yaha question aata hai ki how is the nitrogen cycle affected by the humans, ki kaise nitrogen cycle jo hai wo generally affected hoti hai humans se. To scientists aisa mante hain about that determine that the humans are generally क्या होते हैं, disrupting the nitrogen cycle, वो disrupt कर रहे हैं. ठीक है, disrupt कर रहे हैं nitrogen cycle को. कैसे कर रहे हैं,
क्योंकि अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन का जो है वो जनरली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. क्यों? क्योंकि हम क्या जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं. फॉसिल फ्यूल्स आप समझते हैं, जीवाश्म ईंधन लाइक कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें क्या है, हमारे जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम. ठीक है, तो ये क्या है, फॉसिल फ्यूल्स को हम जनरली क्या करते हैं, जलाते हैं. तो इसके जलाने पर क्या होता है, इसको कंज्यूम करने पर क्या होता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं. ठीक है, नाइट्रोजन के क्या फॉर्म होते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं. ओके, तो जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं तो दे गेट मिक्स विद द एटमोस्फेयर. तो वो क्या होता है, हमारे बायोस्फेयर में, हमारे एटमोस्फेयर में क्या होता है, जनरली मिक्स हो जाता है. दूसरी चीज क्या है कि व्हाट इज दैट दैट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट होते हैं एयर में, एंड इट गेट मिक्स विद द व्हाट, वाटर, दैट इज द वाटर वेपर. वाटर वेपर के साथ क्या होते हैं, जनरली वो मिक्स हो जाता है एंड फॉर्म द नाइट्रिक एसिड. वो क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है. ठीक है, एंड कुछ अदर एलिमेंट्स के साथ क्या होता है, वो कंबाइन भी करता है. ठीक है, और समटाइम्स इट कॉज द व्हाट, एसिड रेन और द स्मोक. वो एसिड रेन भी फॉर्म करता है और स्मोक जो होता है वो फॉर्म करता है. स्मोक इज द स्मोक और फॉग का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज द स्मोक. ओके, तो दिस इज हाउ द नाइट्रोजन जनरली साइकिल अफेक्टेड द ह्यूमंस. को भी क्या करती है, अफेक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, दैट इज नाइट्रिक एसिड, दैट इज फॉर्म विच व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन. ठीक है, एसिड रेन के फॉर्म में वो गिरती है तो ह्यूमंस को भी अफेक्ट करती है. ठीक है, अदर प्लांट्स जो होते हैं उनको भी क्या करती है, अफेक्ट करती है. दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर अमोनिफिकेशन, इफ अमोनिफिकेशन डज नॉट अकर इन नाइट्रोजन साइकिल, अगर आपके नाइट्रोजन साइकिल में अमोनिफिकेशन, मैंने आपको बताया था एक स्टेप है, अगर वो अमोनिफिकेशन प्रोसेस नहीं होता है तो व्हाट हैपन, क्या होगा. सो व्हाट, इट प्लेस अ की रोल हमारे एनवायरनमेंट में. ठीक है, हमारे इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. इकोसिस्टम आप समझते हैं, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, कि एक ऐसा प्लेस, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होता है कि लिविंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स एक साथ, लिविंग्स का लिविंग के साथ रिलेशन, और विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो उनका रिलेशन होता है, दैट इज नोन एज द इकोसिस्टम. हम उसे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं. लाइक अगर हम बात करें, एक पॉन्ड की बात करते हैं, तो पॉन्ड में क्या है, उसमें बहुत सारे लिविंग्स हैं, जिसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ है उसमें रहती है, और उसमें वाटर है, ऑक्सीजन डिजॉल्व है. तो उसमें क्या है, लिविंग्स का लिविंग के साथ जो रिलेशन है और उनके फिजिकल एनवायरमेंट के साथ जो रिलेशन है, हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट इज द इकोसिस्टम. तो हमारे इकोसिस्टम में अमोनिफिकेशन जो होता है उसका क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है. क्लियर, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट रोल. व्हाट हैपन की रोल इन, बिकॉज इट प्रोवाइड द नाइट्रोजन, क्योंकि ये क्या है, हमें एक नाइट्रोजन जो होती है वो जनरली प्रोवाइड कराती है, एंड जो कि जिसकी वजह से क्या है, जनरली जो नाइट्रोजन हमें प्रोवाइड होती है उससे हम अपने प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, प्लांट्स क्या है, अपना प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती है. ठीक है, और एनिमल्स जो होते हैं उनको यूज करके फिर वो अपना प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारे लिए जरूरी है. हमने पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे किसके, न्यूक्लिक एसिड्स, हमारे डीएनए और आरएनए जो सेल्स में प्रेजेंट होते हैं उसको फॉर्मेशन के लिए क्या है, वो नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है. और उनके फॉर्मेशन के लिए क्या है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो फॉर्म होते हैं अमीनो एसिड, प्रोटीन के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, दैट इज द अमीनो एसिड, दे आर ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द व्हाट, नाइट्रोजन. वो भी किससे बने हैं, नाइट्रोजन से ही बने हैं. ठीक है, तो हमारे लिए वो नाइट्रोजन जरूरी है. सेकेंड थिंग क्या है, टू लिविंग थिंग्स, अगर ये अमोनिफिकेशन का प्रोसेस अगर नहीं होता है तो इट मीन्स क्या है, द कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, वो रिटर्न नहीं होते हैं. ठीक है, किसमें, दोबारा से इन टू द सॉइल में, अगेन बैक. ओके, तो इकोसिस्टम में लिविंग बींग्स जो होते हैं विद नो लॉन्गर सर्वाइव ऑन द अर्थ, और ये अगर रिटर्न बैक नहीं होंगे फिर से, तो इट मीन्स क्या होगा, वो लिविंग बींग्स जो होते हैं जनरली ऑन अर्थ पे बेसिकली वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो इसका फिक्सेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली एट नाइट्रोजन, मैंने आपको बताया, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वेरियस व्हाट, वाइटल सब्सटेंसेस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल. ओके, क्लियर, एनी डाउट? यहां पर आपका चैप्टर फिनिश होता है बेटा. Tomorrow we will start the next chapter, that is about polymers.
सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ही जनरली हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, दैट इज द थर्ड चैप्टर। ओके, क्लियर? एनी डाउट? कृपा शंकर सिंह। अमोनिफिकेशन क्या होता है कि जिसमें, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है हमारे, जैसे डेड एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, जब डेड हो जाते हैं तो उनकी बॉडी में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, अमोनिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है, उस बैक्टीरियाज की हेल्प से, डिकम्पोजर्स की हेल्प से। वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, फंगी जो होते हैं उसको क्या, किसमें कन्वर्ट करते हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो दैट इज व्हाट, दैट इज अमोनिफिकेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अमोनिफिकेशन कहते हैं। ओके, क्लियर? यस, थैंक यू मैम। यस खुशी,